नमस्कार, आप देख रहे हैं लेटेस्टली और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। तो न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 3 वनडे की सीरीज के दूसरे मैच में 22 रन से शिकस्त दी। इसी के साथ कीवी टीम ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया और न्यूजीलैंड ने, आपको बताएं कि 8 विकेट पर 273 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम 48.3 ओवर में 251 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया न्यूजीलैंड से, आपको बता दें कि 6 साल के बाद वनडे सीरीज हारी है। पिछली बार जनवरी 2014 में कीवी टीम ने अपने ही घर में टीम इंडिया के खिलाफ 4-0 से वनडे सीरीज जीती थी। तो अगर कुछ रिकॉर्ड्स पर नज़र डाली जाए तो टीम इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली टीम बन गई है। टीम इंडिया को 423 वनडे मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम ने अब तक 986 वनडे मैच खेले हैं जिसमें से उसे 513 में जीत मिली है, 9 मैच टाई रहे हैं और 41 रद्द हो गए हैं। तो टीम इंडिया जब न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंची थी तब उसके नाम 421 वनडे मैचों में हार दर्ज थी। श्रीलंका की टीम भी इतने ही वनडे मैच हार चुकी है। इस तरह से भारत और श्रीलंका के नाम सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने का संयुक्त रिकॉर्ड था। आपको बता दें कि जुलाई 2019 से अब तक भारत ने 13 द्विपक्षीय वनडे, टेस्ट और T20 सीरीज़ खेली हैं जिसमें से 11 सीरीज़ भारत ने जीती हैं जबकि एक सीरीज़ ड्रॉ रही थी। वहीं टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2019 के बाद से 3 टेस्ट सीरीज़, 3 वनडे सीरीज़ और 5 T20 सीरीज़ जीती हैं जबकि एक T20 सीरीज़ भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में ड्रॉ रही थी। और चलिए, ये वनडे सीरीज़ तो चूंकि हाथ से निकल गई है लेकिन आखिरी वनडे मैच को जीतने के लिए टीम इंडिया को ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करनी होगी। सीरीज़ का आखिरी मुकाबला 11 फरवरी को माउंट मोंगनुई में होगा। बात करते हैं मेरे सहयोगी निषाद पई वैद्य से। निषाद, पहला सवाल, केन विलियमसन, बोल्ट, फर्ग्यूसन, हेनरी के बिना खेल रही टीम न्यूजीलैंड की बेहद सराहनीय परफॉर्मेंस देखी हमने। टीम सऊदी, गप्टिल, रॉस टेलर, काइल जैमिसन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। जीत का पूरा क्रेडिट इनको जाता है, क्या कहेंगे? शगुफ्ता, ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये प्लेयर्स की गैर मौजूदगी में लोगों को लगा कि न्यूजीलैंड आखिर कैसे भारत को हरा पाएगी। ऊपर से फिर T20 सीरीज़ भी वो 5-0 से हारे थे तो फिर ये ODI सीरीज़ में चलते चलते सबको लगा था कि भारत आसानी से जीत जाएगा। मगर मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि यही नहीं बल्कि जो उनके अवेलेबल प्लेयर्स थे उनमें भी काफ़ी बीमारियां हो गई थी और इसके लिए थोड़े प्लेयर्स जैसे टिम सऊदी बीमारी के बावजूद खेले थे। इसीलिए न्यूजीलैंड को दाद देनी पड़ेगी, उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने कमबैक किया इस ODI सीरीज़ में। निषाद, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि इस हार के बाद आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और शिखर धवन की कितनी कमी खली होगी टीम इंडिया को? अगर ऐसे कहेंगे तो काफ़ी कमी खली है क्योंकि 2013 के बाद इन दोनों ने जो भारत के लिए बल्लेबाजी की है ऑन टॉप ऑफ द ऑर्डर, ये काफ़ी बढ़िया रही है। इन दोनों में से कोई एक ज़रूर रहा है बड़े सीरीज़ में, मगर इस बार दोनों नहीं है इंजरी के कारण। तो ज़रूर ये काफ़ी अलग माहौल है भारत के लिए और इसीलिए वो स्टार्ट जो है भारत को जो सेकेंड ODI में नहीं मिला वहाँ पर ज़रूर इन दोनों की कमी महसूस हुई, खास करके रोहित शर्मा की। निषाद, ये बताइए कि पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल से बतौर ओपनर्स बहुत सारी उम्मीदें हैं टीम को लेकिन ये उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो इन दोनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को आप कहाँ पर रैंक कर रहे हैं? आपने अभी मुझे रोहित शर्मा और शिखर धवन के बारे में पूछा और अभी हम बात कर रहे हैं मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ, नए ओपनर्स हैं। दोनों ने अपना डेब्यू किया पहले ODI में, वहाँ पर उनका स्टार्ट ठीक रहा मगर सेकेंड ODI में ऑब्वियसली दोनों चूक गए क्योंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग अच्छी थी। अगर मैं आपको कहूँ तो मुझे लगता है कि इन दोनों को बैक करना चाहिए क्योंकि अभी भारत को लॉन्ग टर्म का देखना है। थर्ड ODI में इन दोनों से बल्लेबाजी करनी चाहिए ओपनिंग की क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो मयंक अग्रवाल डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में उनकी शुरुआत अच्छी रही है और पृथ्वी शॉ का जो प्रॉमिस है हमें सबको पता है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों को बैक करना है, कभी ना कभी ये ज़रूर डिलीवर करेंगे, क्वालिटी प्लेयर्स है, क्या पता ये थर्ड ODI में ही डिलीवर कर जाए। निशा, दूसरे वनडे में हालांकि बहुत सारे सरप्राइज फैक्टर भी देखने को मिले, जडेजा और सैनी की पार्टनरशिप बेहद कमाल की रही, तो इस फाइट को आप कैसे देख रहे हैं? इस फाइट से मुझे ये तो पता चलता है कि भारत की क्या साइकोलॉजी है कि उन्होंने तभी गिव अप नहीं किया। नवदीप सैनी जैसे अनटेस्टेड बैट्समैन आते हैं, एक्चुअली बॉलर है, पर उन्होंने आके जो 45 रन की पारी खेली बिल्कुल बढ़िया थी, काफ़ी एंटरटेनिंग थी। तो ये टीम का जो साइकोलॉजी है उससे पता चलता है। तो अभी हमें ये भी पता है कि तीसरे ODI में चलते चलते
इस टीम की सबसे बड़ी मिशन यही है कि भारत को ये मैच जिताना है ताकि ये 2-1 हो जाए। हमने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध देखा था कि जब पहला मैच भारत बुरी तरह हारी थी तभी भारत ने एक बढ़िया कमबैक किया था, यहाँ पर चूक गए, ट्राई ज़रूर किया पर चूक गए। अभी थर्ड ODI में विराट कोहली और टीम का यही मिशन है कि इस सीरीज़ को 2-1 करना है। निशाद मुझे ये बताइए, आपने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें विराट कोहली ने साफ शब्दों में ये कहा कि जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला जो बेंच पर थे उनको मौका दिया जाएगा तीसरे और आखिरी वनडे में, तो कौन से चेंजेस आप देख रहे हैं इस टीम में? अभी आपको मैं सबसे पहले जो बर्निंग सवाल है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी पूछा जा रहा है कि केदार जाधव का क्या रोल है, उनके जगह आप किसको लेके आएंगे? मनीष पांडे जो है इन्होंने T20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि मनीष पांडे वन ऑफ द बेस्ट यंग बैट्समैन है अभी भी काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ भारत में, तो क्यों ना उन्हें थोड़ा एक लॉन्गर रन दिया जाए, हमने पहले भी इसकी बात की है। तो शायद अभी केदार जाधव का जो ऑकलैंड में प्रदर्शन रहा उसके बाद टीम मैनेजमेंट शायद मनीष पांडे को चांस देंगे क्योंकि आप जाधव से बॉलिंग कराते नहीं हो, मगर अगर आपको वो बॉलिंग ऑप्शन चाहिए तो शायद शिवम दुबे भी आ सकते हैं। उनकी बॉलिंग ज़रूर इतनी, उनका स्ट्रॉन्ग सूट इतना नहीं है, वो उनकी बैटिंग ज़्यादा कड़क है, मगर शायद आप उनको और एक मौका दे सकते हैं। और एक प्लेयर की मैं बात करूंगा तो वो है ऋषभ पंत, क्योंकि जब से उनको वो जो इंजरी हुई थी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध और उसके बाद जो KL राहुल ने विकेट कीपिंग का रोल लिया, तो पंत पर अभी तो थोड़े काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि उनका अभी क्या क्या स्टैंडिंग है टीम में। मेरे ख्याल से आपके पास ऐसे खिलाड़ी है जो बार बार नहीं आते हैं, तो पंत को भी आपको मैनेज करना है, अगर आप उन्हें कीपिंग नहीं करवाना चाहते हो आप एटलीस्ट एज अ बैट्समैन खिला दो। निशाद मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि केन विलियमसन चोट से उबर कर वापसी कर रहे हैं तीसरे ODI में, तो टीम इंडिया के लिए कितने बड़े थ्रेट के तौर पर देख रहे हैं आप इनको? केन विलियमसन एक ऐसे बल्लेबाज है जब भी वो कमबैक करते हैं या कोई भी टीम में आते हैं तो ज़रूर ऑपोजिशन को थोड़ा प्रेशर महसूस होता है क्योंकि वो बड़े प्यार से आके रन मारते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि वो मैच आपसे छीन रहे, बट आप अगर स्कोरबोर्ड पर देखेंगे इन नो टाइम उनका 50 या 60 ऐसे रन्स बन जाते हैं। पर यस, ये ज़रूर न्यूजीलैंड के लिए बड़ी बात है कि केन विलियमसन लौट कर आ रहे हैं। मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि आप सीरीज़ जीत चुके हो तो क्यों आप अपने कैप्टन को रिस्क कर रहे हो, बट गुड फॉर द गेम आई वुड से। अगर अभी दूसरे चेंजेस की बात करेंगे तो अभी ये बड़ी खबर ये है कि इश सोधी और ब्लेयर टिकनर को बुलाया गया है ODI स्क्वाड में वापस एज कवर्स, क्योंकि थोड़े जो और प्लेयर्स हैं उनमें इलनेसेस है, जैसे मैंने पहले कहा था कि टिम साउदी सेकेंड ODI बीमार होने के बावजूद खेले थे, तो अभी ये देखना है कि न्यूजीलैंड किस किस को अभी खिलाएंगे। केन विलियमसन के आने से ज़रूर वो और मजबूत हो जाते हैं और वो 3-0 की बढ़त से ये सीरीज़ जीतना चाहेंगे। जी चलिए, शुक्रिया और थैंक यू सो मच निशाद इस पूरे अपडेट के लिए, और क्रिकेट की दुनिया की पूरी जानकारी के लिए आप देखते रहिए लेटेस्टली। थैंक यू सो मच।